नूर अहमद साहब, इधर उधर की बात मत करिएगा सर, बहुत कुछ है बोलने के लिए, सिर्फ यूजीसी पर बात करिएगा। आपसे गुजारिश ये है, मेरी अपील ये है आपसे, जिस तरह से आप शिवम जी को, वकील साहब को बोलने का मौका दे रही हैं और वो इधर उधर भाग रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रही उनसे। कौन इधर उधर भागा? हम अगर बोलते हैं तो आपको एतराज होता है। सुनिए नूर अहमद साहब, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मुझे अपना शो कैसे कंडक्ट करना है। आप जो काम करने आए अपना काम करिएगा, मुझे मेरा काम मत बताइएगा। बुलेट ट्रेन पे वोट मांगना चाहिए, 15 लाख रुपए पर वोट मांगने चाहिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने जो नोटबंदी की है, धारा 370 हटाई है, उससे देश को क्या फायदा मिला है? अब यूसीसी से बुलेट ट्रेन पे क्यों चले गए? सुनिए, यूसीसी की एक लाइन बता देते अगर आप मुझे कि यूसीसी कैसे एंटी मुस्लिम है तो आसानी हो जाती सर। जो आपने कहा कि आप शिवम जी को नहीं टोक रही हैं, मैं टोकती भी, उन्हें रोकती भी। अभी 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 वकील साहब ने एक आरोप लगाया, आर्य दानिश जी, ससुर जी ने ऐसा ऐसा किया बहू के साथ। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, फतवा दिखाए किस दारुल इफ्ता का है, झूठ बोल करके कोई हासिल कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फतवा दिखाइए आप, इमराना के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप फतवा दिखाइए कहाँ का है, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं खड़ा हुआ इमराना के साथ? फतवा बोलते हैं आप, यह झूठ बोल रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं खड़ा? इस्लाम का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है आपको भाजपा के ऊपर प्रवक्ता बनना है, हमें मालूम है आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस तरह से। अच्छा ठीक है, रुक जाइए अश्विनी जी, एक सेकेंड। नूर अहमद साहब की आवाज थोड़ी कम करिए, क्योंकि नूर अहमद साहब को मेरा सवाल नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी अपनी बात कहनी है, अपना अपना एजेंडा सेट करना है। नूर अहमद साहब, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ यूसीसी पर, आप बुलेट ट्रेन पर भाग रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बता दीजिए कैसे एंटी मुस्लिम है, आप न जाने कौन से 15,000 की बात करने लगे। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे बता दीजिए कि यूसीसी में कैसे आपके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप फिर प्रधानमंत्री पर चले गए। तय कर लीजिए आपको यूसीसी पर चर्चा करनी है कि नहीं करनी है। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाइए सामने, या तो ये आप बताइए कि हम साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं हमारे मजहब को, हमारे धर्म को निशाना बनाया गया, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। अरे सर, करते रहिएगा विरोध। पहली बात तो ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है नूर अहमद साहब, ये देश संविधान से चलता है। आप अभी मेरे सामने बैठकर मुझे नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसे मुसलमान विरोधी है, तो आप क्या समझाइएगा अपने लोगों को? विरोध करेंगे कैसे? देश संविधान से चलता है, मजहब नहीं। तो मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा देश, मजहब से चलेगा। कल इनकी आवाज थोड़ी कम करी क्योंकि सवाल नहीं सुनना चाहते। सुनिए एक सेकंड, मजहब से चलेगा देश, मजहब ऊपर हो गया देश से? आप सुन लीजिए बात पूरी सुनिए, आप बाद में बोलिए। आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे यहाँ मुझे कब बोलना है और कब नहीं? आप मेरे सवालों का जवाब देने आए, सवालों का जवाब दीजिए, मुझे मत डिक्टेट करिए प्लीज। हम आपके हड़काए मारने वाले नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। जवाब दीजिए, इनके पास जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद बोलिए। आवाज कम कर दीजिए उनकी। शिवम त्यागी जी, थैंक यू। हफीज साहब, आपको पता है आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलने के लिए दो लाइन नहीं है, ना ही यास्मीन जी के पास दो लाइनें हैं। पिछले आधे पौने घंटे से आप लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन आप एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं बता पाए जहां पर आपको लगता है कि कहीं पर भी किसी तरह के धर्म में दखलंदाजी हो रही है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। आप तमाम दुनिया की बातें उठाकर ले आए, लेकिन एक भी पॉइंट आप अभी तक नहीं बता पाए। महिला से मिसबिहेव कर रहे हैं वो अलग, आपके विंडो बोले जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम से कम सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन बात बहुत साफ है, ये देश हिंदुस्तान अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है, सरकार ने कहा है। मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा, हालांकि आपसे कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आ जाए ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है तो जरूर इसके बारे में लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर लिखें और बताएं कि बेहतर चीजें कैसे हो सकती है। इससे कुछ नहीं होने वाला, आप इधर उधर करते रहेंगे। ये वो सरकार है जो अपने वादों को 1952 से नहीं भूला, जो 52 से लेकर 2023 तक अपने वादों को नहीं भूली, वो आपके कहने से पीछे हट जाएगी या नहीं करेगी, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि जब हिंदुस्तान आगे देख रहा है, जब देश तैयार है और देश के सभी धर्म तैयार हैं, तो बेहतर है आप भी अपना कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। टाइमिंग पर सवाल है ना, चुनाव नजदीक आए तो यूसीसी की याद आ गई।
हमारे ऊपर हर चीज पर सवाल हुआ। 370 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कम से कम ना होने में भी 20 साल लगातार ये कहा गया कि देखिए आप तो रोज वादे करते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं कर पाए, हमने हटाया। राम मंदिर को लेकर कहा, हमने किया। 3 तलाक को लेकर कहा, हमने किया। 9 साल में जो बड़े बड़े निर्णय पिछले 9 साल में हुए हैं वो देश में आजादी के बाद से हुए ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी और पार्टी की बात करने की हैसियत नहीं है, वो आज भी नहीं कर पाते हैं। आज देखिए ना, कांग्रेस कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे, अपने प्रवक्ता नहीं भेजते। लेकिन केरला में हंगामा किया हुआ है कांग्रेस ने, क्योंकि वहां लेफ्ट की सरकार ऑलरेडी उस पर हंगामा कर रही है, तो वो विरोध में बिना ड्राफ्ट के। और बाकी पार्टियों का अभी पिछले दिनों संजय राउत बोल रहे थे लगातार कि भाई हमें नहीं पता, आना तो चाहिए लेकिन तरीका ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है, आना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत का हमें नहीं पता, शिवसेना का यही स्टैंड है, इसके अलावा तमाम पार्टियों का यही स्टैंड है, अखिलेश यादव का यही स्टैंड है। मैं कहता हूं लोगों को 75 साल बाद भी इतनी डिसाइसिवनेस नहीं आई, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें या उसकी खिलाफत करें। मेरा ऐसा मानना है आपको डिसाइसिवनेस लानी पड़ेगी, सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है, आपके बीच में सब कुछ है, बेहतर है कि आप इसके बारे में सुझाव दें। और जहां तक बात टाइमिंग की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी समय उपयुक्त होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।